हे गाइस, टेक टू बूम की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ रिव्यू इस ट्राईपॉड का। तो ये बेसिकली एक सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड है जो कि मुझे कंपनी ने भेजी है रिव्यू के लिए। तो ये काफी कॉम्पैक्ट साइज की और काफी पोर्टेबल सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड है और ये काफी ज्यादा लाइट वेट भी है। तो इसको आपका कोई ट्रेवल बैग हो उसमें आप आराम से कैरी कर सकते हैं और इसको आप आराम से जीन्स हो या आपकी पैंट वगैरह की पॉकेट हो तो उसमें भी रख के ले जा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आती है जैसा कि आप देख सकते हैं और ये ऐसे ओपन होती है और ये साइड से जो इसका आपको स्क्रू दिख रहा है यहाँ से इसे आप टाइट भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं टाइट कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल स्टिल हो जाएगा और इसको मैं अभी लूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी खोल के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये ऐसे पूरा ओपन हो जाता है और ये यहाँ पीछे इतना पूरा पीछे तक चला जाता है और यहाँ पर ये इसे आप टिल्ट कर सकते हैं। ये ऐसे ये टिल्ट हो जाता है इसका और यहाँ पर ये जो है आपका फ़ोन लगेगा और फ़ोन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है दोनों लॉक्स ऐसे ये ओपन हो जाएंगे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लॉक्स ओपन हो गए दोनों, इनके बीच में फ़ोन अटकता है और ये ऐसे पुल होके बाहर आ जाता है और यहाँ सेंटर में आपका जो है फ़ोन आ जाएगा इसके अंदर। और फ़ोन के लिए यहाँ पे ये अच्छा है कि इसे आप ऐसे सीधा अगर आपको पोर्ट्रेट में लेनी है तो ऐसे आप पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, लैंडस्केप में लेना है आपको फोटो या वीडियो तो आप लैंडस्केप में भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये बेसिकली ऐसे मैं दिखाऊँ साइड से तो ये ऐसे हो जाता है। अब ये लैंडस्केप में है तो आप देख सकते हैं लैंडस्केप में ऐसे पकड़ा है तो ये हो जाएगा और अगर पोर्ट्रेट में लेना है मुझे फोटो या वीडियो तो ये ऐसे हम मोबाइल को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसे एक्सटेंड करना चाहे तो ईजिली यहाँ से ये पुल होके एक्सटेंड भी हो जाती है। आप देख सकते हैं मैं पुल कर रहा हूँ तो ये आराम से ऐसे एक्सटेंड हो रही है और ये अच्छी खासी लंबी हो जाती है। मैं दूर जाके दिखाता हूँ आपको तो आप ये देख सकते हैं ये खुला ही है और आई थिंक हाँ ये पूरी निकल चुकी है अंदर से और ये इतनी पूरी एक्सटेंड हो गई है। तो अच्छी खासी एक्सटेंड हो जाती है, आप देख सकते हैं मैं ऐसे दिखाऊँ आपको तो ये अच्छी खासी एक्सटेंड हो गई है और आराम से आप इससे सेल्फी या वीडियोस ले सकते हैं जैसे भी आप चाहें। और लाइट वेट है ये ऐसे भी, थोड़ा सा मैं कहूँगा नीचे का जो हिस्सा है पकड़ने में ये इतना ज़्यादा स्टडी नहीं है। कोई अगर तेज़ हवा वगैरह चल रही है या आप गाड़ी वगैरह में मतलब कई बार होता है ना बाहर निकाल लेते हैं स्टिक वगैरह शीशे से ऐसे, तो अगर तेज़ स्पीड में चल रही है गाड़ी 80+ में तो हो सकता है ये आपको थोड़ी सी अनस्टेबल महसूस हो। तो बेहतर है कोई ज़्यादा स्पीड वगैरह में अगर आप बाइक चला रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें इसको फुल एक्सटेंड करके यूज़ ना करें। हाँ, वैसे इन जनरल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और अब मैं आपको दिखा दूँ करीब से इसका नीचे का जो ये स्टैंड है ये इस तरीके से है, खुल जाता है ऐसे, ये पूरा खुल जाता है, तीन लेग्स इसकी बन जाती हैं। तो ये पूरा ऐसे होल्डर था जो कि ऐसे पकड़ने का था और ये इस तरीके से लॉक्स हैं इसके नीचे, आप देख सकते हैं ये पूरे लॉक्स दिए हुए हैं। तो ये लॉक्स आपस में यहाँ पे आके जॉइंट हो गए, ये पूरा आपको आवाज़ आई होगी लॉक हुआ था और इस तरह यहाँ पे होल सा दिया हुआ है और इसे यहाँ से उंगली करके मतलब इसके अंदर खोलने के लिए इसको आप पूरा ऐसे ऑन कर सकते हैं और ये थोड़ा ये यहाँ से सरकता भी आप देख सकते हैं ऐसे ऊपर नीचे भी हो जाता है यहाँ से, यहाँ पर आके स्टिल हो जाता है पूरा और इसको फिर इस तरीके से आप नीचे रख सकते हैं। तो अब मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये मैंने पूरी नीचे रख दी है और आप इसे देख सकते हैं ये पूरी जो है सेल्फी स्टिक नीचे रखी हुई है तो इतनी इसकी हाइट है। तो ये हाइट जो है इसकी जो पूरी खुलने के बाद इसका जो टॉप है बेसिकली तो टॉप की हाइट मेरे कमर तक होगी लगभग, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी हाइट जो है 5'11" है और ये मेरी कमर तक आएगी और ये काफ़ी ड्यूरेबल रहती है, आसानी से गिरेगी नहीं अगर आप इसे रख के कहीं लेना चाहें। आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है रखने के अंदर भी। हाँ, हवा वगैरह अगर तेज़ चल रही है तो ये अनस्टेबल हो सकती है, लेकिन लाइट हवा है अगर कोई ज़्यादा ऐसे हवा का प्रेशर वगैरह नहीं है तो आपका फ़ोन वगैरह स्टेबल रहेगा इसके ऊपर। थोड़ा सा मैं कहूँगा नीचे से और स्टडी हो सकता था लेकिन अकॉर्डिंग टू इस प्राइस पॉइंट, हम प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे उस हिसाब से जो है डिसेंट क्वालिटी इसके अंदर हमें मिल जाती है। सो गाइस, अब हम अंदर आ चुके हैं तो इसको मैं एक बार आपको मोबाइल लगा के भी दिखा देता हूँ ना, आप लोग सोचो यार मोबाइल लगा के तो दिखाया ही नहीं, ऐसे ही खोल खोल के बस दिखा दिया इसको। ये है हमारी सेल्फ़ी स्टिक और इसको मैं इसमें लगाता हूँ तो काफ़ी ईजिली लग जाता है, देखिए फ़ौरन लग गया है, मैंने लगाया है। और इसको मैं इस तरीके से पोर्ट्रेट करना चाहूँ पोर्ट्रेट कर सकता हूँ और इसको मैं लैंडस्केप में करना चाहूँ तो ऐसे लैंडस्केप में कर सकता हूँ। तो बहुत आसान है इसे करना, थोड़ा सा आप कभी कभी हल्का ज़्यादा वैसा हो गया ना तो एडजस्ट कर लिए इस तरह से और बाकी काफ़ी ईजी है। और इसको यहाँ से लगाने के बाद में हमेशा टाइट कर लें स्क्रू को ताकि बिल्कुल स्टेबल रहे, तो बनाने में इससे वीडियो वगैरह काफ़ी इजी रहेगी आप लोगों को और काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। अब एक चीज़ के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होगे इतनी देर से, तो फ़ोन को मैं निकाल देता हूँ। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होगे भाई, यहाँ पे जो है खाली खाली सा जो लग रहा है तो यहाँ पे बेसिकली इसका रिमोट रहता है, वो मेरी जेब में है और वो मेरी जेब में क्यों है वो भी अभी बताता हूँ आपको। तो भाई ये रहा रिमोट इसका, करीब से आप देख लीजिए इस तरीके से ये रिमोट है इसका, ये ऐसे पूरा रहता है
और बैक से इसमें जो है यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, इसका सिंगल बटन मिलता है इसमें, और नीचे जो है इसके ये छोटा वाला ये है पावर ऑन एंड ऑफ का, और ये ऊपर वाला जो है ये इसका बटन है जिससे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या वीडियो को प्ले या स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, नीचे ये है मैंने, तो इस तरीके से लाइट जलने लगती है, तो इससे कि पता चल जाता है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मोड में आ चुका है। बाकी पीछे यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है ये स्लाइडर कवर है, तो इसको अगर मैं खोलूँ, सॉरी ये बेसिकली यहाँ पे एक स्क्रू दी हुआ है बारीक सा, आपको होपफुली यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बारीक सा जो है ये यहाँ पे स्क्रू दी हुआ है इसके टॉप पे, जिससे कि ये अभी बंधा हुआ है बिल्कुल निकले ना, तो चलो अच्छी बात है स्क्रू दे रखा है इसके अंदर, क्योंकि कई बार होता है ये रिमोट टपक जाता है नीचे तो कवर उड़ के निकल जाता है कहीं पर ही। हाँ, अब मैं जो बता रहा था कि ये मेरी जेब में क्यों पड़ा हुआ था, तो ये जेब में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इसमें मैंने काफ़ी कोशिश करी, मतलब लगा हुआ आया था इसमें, लेकिन एक बार जब मैंने इसे निकाला देखने के लिए, फिर दोबारा लगाने की कोशिश करी इसे, तो भाई ये लग के नहीं दिया, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, उस वक्त मैंने छोड़ दिया था यार बाद में देखेंगे इसे ऐसे ही रहने दो। तो इसमें बेसिकली यहाँ नीचे एक बारीक सा लॉक रहता है आपका, मेरी उंगली के सामने एकदम दिख रहा होगा, तो वो नीचे की तरफ इसमें जो है यहाँ होल है जो अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, होल में नीचे अटकता है, तो इसको लॉक से जो है इसको ऐसे नीचे की तरफ लगाना होगा करके आपको, तो मैं ऐसे लगाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। और एक लॉक ऊपर भी दिया हुआ है यहाँ पे, आपको होपफुली ऊपर की तरफ दिख रहा होगा जो मेरी उंगली है, तो अंदर की तरफ यहाँ पे दिया हुआ है लॉक, तो रिमोट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसे पिन सी दी हुई हैं जो कि इसमें अटकती हैं, तो इसको मैं जो हूँ अब लगा के देखता हूँ दोबारा से। तो भाई अब तो ये लग गया फ़ौरन उस वक्त तो भाई लग के दे रहा था, हो सकता है मैं ऐसे कुछ गलत तरीके से लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं आराम से इसका जो रिमोट है वो भी लग चुका है, उसका बटन हुआ भी आपको पूरा दिख रहा होगा, तो अब मैं निकालता हूँ उसे दोबारा। ठीक है भाई, अब तो एकदम सही से लग रहा है, मैं लगाता हूँ दोबारा से एक बार, और पहले ऊपर का सिरा लगाएं। ठीक है भाई, तो पहले भैया ऊपर का सिरा अंदर कर लेना और फिर नीचे की तरफ दबाना तो लग जाएगा इजिली, ऐसे ज़्यादा इजिली लग रहा है। तो भाई अब मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, तो ये जो सेल्फी स्टिक है ये 700 से 800 रुपए के प्राइस बजट में आती है। अब 700 से 800 रुपए के प्राइस बजट में ये एक डिसेंट सेल्फी स्टिक है, ऑफ़र वगैरह में आपको जो है ये 650 रुपये तक की भी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट रहेगा इसका, अगर 650 में आपको ये मिल जाए। 800 रुपये तक में मैं कहूँगा ले सकते हो इसे डेफिनेटली, लेकिन अगर 600 650 रुपये में आपको मिल जाइए ऑफ़र्स वगैरह में, तो बहुत ही अच्छी डील रहेगी आप लोगों के लिए। तो 800 रुपये में इसे कंसीडर कर सकते हो, बिल्कुल आप इसे 800 रुपये में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटी हमें ट्राईपॉड वाली भी मिल जाती है और सेल्फी स्टिक की मिल जाती है, और एक ड्यूरेबल अच्छी क्वालिटी अच्छे मटेरियल की बनाई गई है ये अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस पॉइंट। हाँ, इसका नीचे का ये जो ट्राईपॉड का सिरा कहूँगा, ये रखने के बाद में जब हम इसे पूरी फुल लेंथ पे खोल देते हैं जैसा मैंने आपको बाहर दिखाया था अभी, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुझे अनस्टेबल लगती है उस दौरान अगर हवा तेज़ चल रही हो, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है, हवा कोई बहुत ज़्यादा तेज़ वगैरह नहीं चल रही, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। लेकिन हाँ, ये इसका जो बॉटम है ये सिरा इसका थोड़ा सा और हैवी है, कुछ अंदर ऐसा लगाए थे जिससे कि ये नीचे का बॉटम थोड़ा सा और हैवी और ड्यूरेबल हो जाता, जिससे कि जब हम इसे नीचे रख के एज ए ट्राईपॉड की तरह यूज़ करते तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा स्टेबल हो सकती थी जल्दी, अगर थोड़ा बहुत हवा का कभी होता है ना झोंका वगैरह आ जाता है, तो जल्दी ये गिरने विरने का खतरा नहीं रहता इसका। हालाँकि ऐसे भी इतनी जल्दी नहीं आसानी से नहीं गिरेगी, लेकिन हाँ वही मैंने बताया जब हवा वगैरह अगर तेज़ हो तो उसमें रिस्की रह सकता है, तो उस टाइम में मैं कहूँगा इसे एज ए ट्राईपॉड की तरह फुल लेंथ पे खोल के यूज़ ना करें। हाँ, शॉर्ट लेंथ में आप इसे एज ए ट्राईपॉड की तरह थोड़ी तेज़ हवा में भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई इसका अमेजन बाइक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो सेल्फी स्टिक से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड स्टिक, तो मिलते हैं फिर जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में। क्या करना है इन द लास्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन, गुड बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप बूमिंग विद मी।